हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी ने देखी हो 375 पे एक वीडियो मतलब एक फिल्म बनी थी 375। फिल्म का नाम ही है 375, सेक्शन 375। तो वो वीडियो जो बनी थी वुमेन्स के अधिकार को मतलब क्या है उसको अवेयर करने के लिए, महिलाओं को अवेयर करने के लिए मेरी बनी थी, और लोगों को जो कि समाज में रह रही हैं उनके क्या अधिकार है इसके लिए वो वीडियो या कह लो फिल्म जो बनी थी। ठीक है, तो उसमें क्या था थोड़ा उसका जान लेते हैं कि जो सेक्शन 375 होता है ये क्या होता है। वैसे ये रिलेटेड जो होता है रेप से रिलेटेड होता है। पहले आप हम वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा जो कि जिस पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड करें devanshi.com पे। इसके अलावा जो डिजिटल लिटरेसी ज्ञान है, इन कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, दोनों ये जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में हमें सोशल मीडिया पर आप हमें ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं devanshi devanshi। आपको हम FB, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट सब पे मिलेंगे। जरूर हमें फॉलो करिएगा ताकि आप हमसे रिलेटेड कोई ट्रैवल ब्लॉगिंग हो, तो कोई कल्चरल फैशन, कोई भी गेमिंग, कोई भी अच्छी वीडियो आपको जो कि अच्छी लगे, सभी तरीके की हमारी वीडियो होती है क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हम एंटरटेनमेंट करते रहें दूसरों का भी और खुद का भी। तो ठीक है, तो ये सभी वीडियो आप सभी के लिए, तो उसको जरूर देखिएगा, बताइएगा कैसी वीडियो लगी आपको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड FB पे। ठीक है, तो जरूर फॉलो करिएगा। साथ में हमें आप अभी लाइक शेयर जरूर करिएगा, साथ जब भी वीडियो आप सुन रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, साथ में चैनल को भी जरूर शेयर करिएगा, और सभी वीडियो जरूर देखिएगा जितने भी हमने वीडियो बनाई है, और बताइए कि वीडियो कैसी बनी, कितनी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं रेप रिलेटेड। ये 376 जो 375 है जो सेक्शन, इस ये जो इसमें ये कह गया कि जो ए मैन जो भी कमिट करता है ऑफेंस, ठीक है, तो रेप जैसा, तो उसमें क्या होता है, तो भाई जो उसका जो लड़के का जो प्राइवेट पार्ट होता है, आप समझ सकते हो कि प्राइवेट पार्ट कौन सा होता है लड़के का और लड़की का, ठीक है, तो यदि वो उसको मतलब अपने माउथ से या उसके यूरथ्रा मतलब उसका यूरथ्रा आप समझ सकते हैं, आप इसको यदि गूगल कर लेंगे यूरथ्रा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा NS, ठीक है, तो बॉडी पार्ट ही होता है ये भी, लड़की का बैक जो बॉडी पार्ट होता है उसको कहते हैं NS, ठीक है, तो उसका मतलब इसका जो प्राइवेट पार्ट होते हैं भी, ठीक है, तो ये जो है इसमें तो उसको मतलब किसी भी तरीके से गलत तरीके से छेड़ा जाना, तो ये भी 375 में आता है। यदि इसके अंदर कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करता है लड़की के बॉडी पार्ट में, या कोई और वस्तु घुसे मतलब एंटर करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये भी कमिट होगा, गलत है ये भी, ठीक है, उसके साथ, तो ये भी रेप, ये भी 375 में आएगा। ये जिसकी मैनिपुलेट करता है बॉडी को वुमेन की एंड पैनेट, ये जो मतलब, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, जो उसकी जो प्राइवेट पार्ट है लड़की के सारे ही, जो आपको पता नहीं कौन कौन से होते हैं लड़की के प्राइवेट पार्ट, हर कोई समझ आ रहा है इतना, ठीक है, तो उसमें यदि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान है, ठीक है, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और मतलब उसके साथ किसी भी तरीके से पेनेट्रेशन करने की कोशिश करता है, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। यदि वो अपना माउथ है लड़की के बॉडी पार्ट पे यदि रखता भी है, कुछ ऐसा वैसा कुछ करता भी है, तो भी ये भी उसमें आएगा, कमिट 375 रेप की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जो इसमें ये मतलब कब ऐसी स्थिति मानी जाती है कि जब रेप की श्रेणी में आए, जब लड़की की इच्छा ना हो, उसकी कंसेंट ना हो, ठीक है, जो कि कंसेंट हो विद हर कंसेंट, ठीक है, यदि इसकी कंसेंट थी, ठीक है, लेकिन लड़की ने आखिरी टाइम पे भाई बोल दिया ना, तो अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि यदि कोई एक प्रोस्टिट्यूशन है जो कि देह व्यापार का धंधा करती है लड़कियां, यदि वो भी आखिरी टाइम पे ना कर दे और अपने पैसे वापस कर दे कि हाँ भाई मुझे नहीं करना सका, तो उसकी जो कंसेंट है वो नो के रूप में नो ही रहेगी, मतलब अब किसके साथ ऐसा कोई वैसा ऑफेंस नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक प्रोस्टिट्यूशन की भी इज्जत है हमारे देश में, तो एक आम एक लड़की की तो बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, ठीक है, तो इज्जत सबकी है, लेकिन मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन होती है कि भाई जानी ही इसी काम के लिए जाती हैं, जब उसकी कंसेंट में मायने रखती है कि नो मतलब नो है और उसके साथ भी कोई ऑफेंस नहीं कर सकता, तो आप समझ सकते हैं कि भाई कोई भी लड़की है जो कॉलेज पढ़ रही है या गृहस्थी में है या अनमैरिड है, तो यदि वो ना कर देती है तो वो ना ही में आएगा। जजेस की जजमेंट बहुत सारी हैं, एक पंजाब की भी जजमेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जजमेंट दे रखी है काफ़ी केसेज में कि उसकी कंसेंट मायने रखती है, ठीक है, तो आप इसके पर उंगली नहीं उठा सकते कि भाई पहले लड़की हाँ कर रही थी पहले फिर बाद में ना कर दिया, हाँ लेकिन थोड़ा सा इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तभी बात सच में निकल के आती कि क्या बात थी क्या नहीं, लेकिन यदि इसमें निकले कि बात की हाँ लड़की सच्ची थी, तो इसमें जो जिसने ऑफेंस किया उसको जरूर सजा मिलेगी, ठीक है,
ओके ये जिस को लड़की को डरा धमका के भाई किसी तरीके से उसको भाई इसकी डेथ कर देंगे, उसको मार देंगे या ग्रीवेंस हर्ट दे देंगे, ये जिसकी इस तरह कंसेंट ली गई है तो ये भी गलत है। ठीक है, यदि मैन जानता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, उसका उसके हस्बैंड का रूप धर के आया है, मतलब कोई अदर मैन है और लड़की को लग रहा है ये इसका पति ही है, तो वो उसकी झांसे में आ गई है किसी भी तरीके से, तो ये भी गलत है कि उसको उसके साथ इस तरह का मतलब ऑफेंस करना। यदि इसकी कंसेंट है और उसने कंसेंट दे दी है, ठीक है भाई, क्योंकि वो मतलब डिसीजन लेने के उसमें नहीं है, क्योंकि वो अनसाउंडनेस है, मतलब पागल है, या उस इंटॉक्सिनेशन मतलब कि उसने कोई दवाई गलत ली हुई है जिसके कारण दवाई कभी एक बार उस लड़की को दे दी जाती है, क्योंकि वो अपने होश में ना रहे और उसके साथ उसका कंसेंट ले ली जाए जल्दी, तो इसलिए भी मतलब ये गलत तरीके से कंसेंट लेने के लिए इसको मतलब इंटॉक्सिनेशन करवा दिया जाता है, या मतलब पर्सनली या किसी के थ्रू, ठीक है, उसको मतलब डराना धमकाना या यदि वो समझ नहीं पा रही कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, वो अनेबल है समझने में क्योंकि उसके दिमाग की हालत उसको समझने नहीं दे रही किसी भी तरीके से, और उसकी कंसेंट ले ली गई है, तो ये भी रेप की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसने अपने जो सहमति दी है उसमें वो होश में नहीं थी। यदि वो अंडर 18 है भाई, 18 की पूरी नहीं हुई है, 18 से यदि एक दिन भी कम है, ठीक है, 1 घंटा भी कम है, तो वो भी अंडर 18 ही कहलाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी रेप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो कोई भी वुमेन है जिसकी जो इन एक्ट इज डन, कोई भी जो एक्ट डन किया गया है अगेंस्ट उसकी लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया गया है, ठीक है, वेन सी इज फुल पोजेशन ऑफ हर सेंसेज एंड रीजन, वेयर तो किसी भी लड़की की जो मतलब कंसेंट ली जाती है, जो उसने मतलब कंसेंट है, ठीक है, तो जो वुमेन के द्वारा वर्ड या गेस्चर या किसी भी वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है, तो उसने हाँ ये ना जताई है, तो ये कंसेंट में आता है। तो कंसेंट भाई मतलब कभी कभार मिस रिप्रेजेंटेशन भी होता है, कि कभी अगर फैक्ट की गलती से मिस्टेक भी लग जाता है, जैसे हमें लगता है कि लड़की ने कंसेंट दी है, तो मतलब पूरी तरीके से इस बात का पता होना चाहिए कि हाँ लड़की ने कंसेंट दी है, एंड तभी उसके साथ कुछ कमिट ऑफेंस हो सकता है, अदरवाइज यदि कुछ ऑफेंस मतलब कुछ ऐसा उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो वो ऑफेंस के रूप में आएगा। तो यदि कोई लड़की जैसे कि उसकी वाइफ है और वो 15 साल से 18 साल से कम है, उसके साथ यदि कोई ऐसा अपराध किया जाता है, तो भी 376 की कैटेगरी में आएगा, जिसमें 2 साल की कम से कम सज़ा मिलेगी, साथ में फाइन लगेगा, ठीक है, यदि उसकी वाइफ भी जरूर क्यों ना हो। ठीक है, तो इसमें जो बोला गया है कि कोई भी मैन हो वुमेन के साथ मैरी के इंटेंशन से, कि भाई इसके साथ शादी करेगा बाद में, लेकिन बाद में कह दे कि मैं तुम मैरी मतलब आपके साथ शादी नहीं कर सकता, मेरी ये सरकमस्टांस थे, ये थे वो थे, ठीक है, तो बाद में बहाने बना के मतलब उसको वो कर ले कि इसको छोड़ दे, तो ये भी तो ये मतलब वैसे रेप तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ये मालाफाइड इसका मोटिव कराएगा, जिसमें उसने इसको फॉल्स प्रॉमिस किए हैं और अपना मतलब उसके मतलब अपने आप को सेटिस्फाई किया है, तो ये जो कि लाइबल होगा रेप के लिए, इसमें मेडिकल जो प्रोसीजर होगा इंटरवेंशन होगा, तो शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। ठीक है, तो कुल मिला के भाई उसको मतलब गलत विश्वास दे के, गलत उसको मतलब उसमें अपने प्रॉमिस में लेके उसके साथ ऐसा वैसा ऑफेंस किया है, तो ये पनिशेबल तो जरूर है ये। ठीक है, तो कुल मिला के जो ऐसे ऐसे कैटेगरी होते हैं भाई, जहाँ से कंसेंट ना हो, लड़की की इच्छा ना हो, यदि उसने आखिरी टाइम पे ना भी बोल दिया हो मतलब सेक्सुअल प्लेजर के लिए, तो वो भी कंसेंट रेप में ही आएगा, तो 375 उसकी उसमें लगेगा। यदि लड़की छोटी है 18 साल से तो भी आएगा, यदि लड़की उसकी वाइफ जरूर है चाहे, लेकिन वो 18 साल से कम है, वह तो 18 साल से जो कम होती है, जो कम के साथ जो शादी होती है वो नल एंड वॉइड होती है, लेकिन उसके साथ भी यदि वो रेप मतलब यदि कुछ ऐसा मतलब इंटरकोर्स करता है, तो वो भी रेप के कैटेगरी में आएगा। तो ये था कुछ 375 से रिलेटेड, यदि आपको कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा, साथ में आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स से जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।